प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी, रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। इस संगठन में शामिल होने का तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य क्या है? मैं मेरा ये बचा हुआ सर्वस्व भारत माँ की रक्षा पे न्योछावर करना चाहता हूँ। अब से तुम जैसे कर्म करोगे उस पर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि पूरी शक्ति वाहिनी का भाग्य निर्भर कर। यकीन मानिए, मैं अपनी जान से भी ज्यादा शक्ति वाहिनी के अभिमान की परवाह करूंगा। चाबी मेरे पास नहीं है। चाबी निकाल। हद है तुम्हारी नालायकी की। अब मैं लॉर्ड चार्ल्स को जवाब क्या दूंगा? तुम्हें पता है उन कैदियों को बागियों का पता मालूम था, इसीलिए वो बागी उन कैदियों को छुड़ा के ले गए, और इसका मतलब एकदम साफ है, इसीलिए वो उन्हें छुड़ा के ले गए। सर, उन्होंने हमारे हथियार से हमको बंदी बना लिया। मैंने यहाँ पे नामर्दों की फौज पाल रखी है जिन पे औरतें भी भारी पड़ जाती हैं। लेकिन सर, औरतों की संख्या ज्यादा थी। औरतों की संख्या ज्यादा थी तो तुम्हारी भी संख्या बढ़ा देते हैं ना, और तुम्हारे लिए बिस्तर भी लगवा देते हैं, गद्दे भी लगवा देते हैं, ताकि ड्यूटी टाइम पे चैन से सोते रहो बस। हेलो यंग पुलिसमैन, हाउ आर यू? What happened? माहौल इतना गर्म क्यों है? मैं कुछ नहीं, वो छोटी मोटी बात पे इन्हें कुछ समझा रहा था। Really? Mr. Indian Superintendent? पुलिस स्टेशन से कुछ कैदियों को कुछ लड़कियां भगा कर ले जाती हैं, और ये छोटी बात है। Great! Don't worry, मेरे भी कुछ वफादार लोग हैं। Anyway, I have a news for you. अच्छा, वो मुक्ति वाहिनी की औरतों के बारे में ना? I'm not sure about that. But हाँ, शक्ति वाहिनी के कुछ लोग सरकारी हथियारों को हड़पने के लिए सपना देख रहे हैं, और ये खबर पक्की है। We will defeat them. Yes, of course. हमें मत मारो साहब, हमें मत मारो, जाने दो। आप लोग भी भाग जाओ साहब, आप लोग भी भाग जाओ। बहुत भगा तूने अपने पीछे, रख। So, after all, first victory together. Yes. अब तो आपको बिलीव हो गया ना, that English officers are better than Indian officers. ले चलो इसे। ये डंगोरिया भवानी का बेटा है, डालो गाड़ी में। यस सर। भारत माता की जय! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! जानो तो जाने, ये दिल के सौदागर इनका दुश्मन लोहा।
पता है हुन, आज तक कोई मुझे निशानेबाजी में हरा नहीं पाया, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे हरा भी सकता है। क्यों, तुम्हें आज खुद पर भरोसा नहीं है? खुद पर तो भरोसा है, पर खुद से ज्यादा तुम पर है। पेड़ दिख रहे हो, वहां निशाना लगा सकते हो? हाँ। क्या हुन, तुमने, तुम्हें बताया था ना कि एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बंदूक पकड़ी जाती, तुमने तो मेरा यकीन ही तोड़ दिया। ऐसे कैसे होगा हुन? माफ कर देना, मुझे लगा मैंने तुम्हारा यकीन टूटने से बचा लिया। अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, देख के इनकी जोश रवानी, सिया ही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। लिखा है जो वो ही होना है, खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है रोका? मुझे लगता है ना तुम्हारा प्रशिक्षण पूरा हो गया है। प्रशिक्षण कभी पूरा नहीं होता रेखा, और वैसे भी मैं सब कुछ नए सिरे से सीख रहा हूँ। हमारे कहने का ये मतलब था कि अब तुम किसी भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। लगता है तुम्हें मुझसे अलग होने की थोड़ी ज्यादा ही जल्दी है। नहीं हुन, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तुम्हें अपने साथ लेना चाहती, क्योंकि अब तक तुम मुझसे प्रशिक्षण ले रहे थे और मेरा अनुसरण कर रहे थे, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे कदम से कदम मिलाकर चलो। बिल्कुल ऐसा ही होगा, पर क्रांति के लड़ाई के बीच क्या मेरे प्रेम का स्थान है या नहीं? प्रेम, प्रेम तो हर जगह है, हर कदम में, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। पर अपने उस वचन के बारे में सोचो जो तुमने प्रशिक्षण से पहले लिया था, कि मातृभूमि की आजादी से पहले
तुम्हारा और कोई लक्ष्य नहीं है, इसीलिए तुम्हें यह प्रशिक्षण मिला था हुन। और ईश्वर गवाह है कि मैंने तुम्हें प्रशिक्षण देते समय किसी और भावना को आने भी दिया। यही तो तुम्हारी महानता है रेखा, जो मैं तुम में भी देखना चाहती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। गोकुल के कृष्ण से नहीं, मैं द्वारिका के कृष्ण से प्रेम करती हूँ, जिसने अपने कार्य को ही सर्वपुरे समझा और कभी दोबारा मुड़कर नहीं देखा। मुझे इतनी ज्ञान की बातें तो याद नहीं, पर तुम जो कह रही हो उसका मतलब मैं बखूबी समझ सकता हूँ। ये सब समझने समझाने के लिए बहुत समय। चलो अब चलकर तुम्हारे पिता तुल्य सेनाध्यक्ष डंगोरिया का आशीर्वाद ले लो। चलो चलो। भैरव, आज जो हथियार आए हैं उनको पुराने हथियारों से अलग रखना। जी कोकाई देव, मैंने पुराने हथियारों और आज मंगाए गए हथियारों की गिनती कर ली है। मुझे तुम्हारी सूझबूझ पर पूरा भरोसा है। मैं क्या हूं कोकाई देव, सब बस आपके चरणों की धूल है। ऐसी बात करते हो भैरव, तुम तो हमारी शक्ति वाहिनी के प्रथम क्रांतिकारी हो। याद है जब हम दोनों ने मिलकर इस क्रांति की आग जलाई थी, तुम्हें कोई नहीं था, तुम थे और मैं था। ना कोई सेना थी और ना कोई सेना अध्यक्ष। नहीं को कह दूं, आप तब भी हमारे सेनाध्यक्ष थे और आज भी हैं। हाँ, हमने प्रयास किया और लोग जुड़ते गए, और आज हमारे सेनाध्यक्ष इतनी बड़ी शक्ति वाहिनी के सेनाध्यक्ष बन गए हैं। भैरव, मुझे तो सिर्फ अपने बच्चों और संगठन इन्हीं की चिंता है, और मेरे बाद तुम्हें ही तो इन्हें संभालना। कोकाई देव, आप क्यों रह रह के मेरा हृदय दुखित कर देते हैं? तुम्हारा यही प्रेम तो मुझे मरने नहीं देता। बैठ। प्रणाम देवता। खुश रहो। आज से आपका क्रांतिवीर एक सच्चा योद्धा बनने के लिए तैयार है। तुमने तो कमाल कर दिया आयोजन, इतने कम समय में। जी देवता। अरे भाई, सीखने वाले योद्धा को भी तो देखो। आपने बिल्कुल सही कहा खुरा, इसमें सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उसका भी कमाल है, जिन्होंने पैंथरे सीखते वक्त अपनी जान की भी परवाह नहीं की। नहीं भाई, जान की परवाह तो करनी ही पड़ेगी, वरना दुश्मनों की जान कौन लेगा। नहीं, फिर भी मेहनती तो है ही ये बालक। जी वो मस्तिष्क खाली था तो इसलिए सब कुछ आसानी से सीख पा रहा था। सुबह हो गए डांगोरिया, अभी तक आतनो और बाकी के लोग वापस नहीं आए। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आ जाएंगे। गजब हो गया डांगोरिया। क्या हुआ, ऐसे हांफ क्यों रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ बताओ, कोकाई देव कहाँ है और तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आए? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग सारे साथी मारे गए,
जैसे तैसे जान बचाकर ये खबर आप तक पहुंचा पाए हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अंग्रेजों को हमारी इस योजना का पहले से ही पता था, तभी तो वो पूरे हथियारों के साथ पहले से ही वहां गाड़ी में मौजूद थे। किसी ने तुम लोगों का पीछा तो नहीं किया? नहीं, हम रात भर जंगल में घुमावदार रास्तों से आए हैं और हमारा एक साथी भी जंगल के दुर्गम रास्तों में शहीद हो गया। अब क्या होगा? अतनु को पुलिस के गिरफ्त से मैं छुड़ा कर लाता हूं। नहीं, तुम नहीं। डांगोरे, मैं क्यों नहीं? तुम कई बार कई पुलिस कर्मियों की नजर में आ चुके हो, इसलिए तुम अब पीछे से सहायता करोगे। इस मिशन का चेहरा नया होना चाहिए। पर डांगोरिया, मैं नकाब भी तो पहन सकता हूं। अगर इतनी ही समझ होती ना तुम में, तो आज तुम सेनाध्यक्ष होते, और अगर नहीं हो तो एक बार में डांगोरिया की बात को मानना सीखो। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई? सोचो हो जरा, अगर 100 लोगों की भीड़ में 4 लोग नकाब पहन के होंगे तो सब लोगों की नजर उन पर नहीं आएगी। इसलिए इस बार हमें ऐसे चेहरे की जरूरत है जिसे हजारों की भीड़ में नकाब लगाने की जरूरत ही ना हो। इसे समझा रहे हो भैरव? ये कभी किसी बात को एक बार में समझा है क्या? इसे तो हमेशा यही डर लगा रहता है कि संगठन में इससे ज्यादा पराक्रमी आदमी ना रहे, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि इस समय इस वक्त हमारा सबसे ज्यादा पराक्रमी योद्धा इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। इसे जल्द से जल्द छुड़ाना कितना जरूरी है। क्रांतिवीर, कमर कस लो अपनी, इस मिशन को अंजाम अब तुम्हें देना है। क्रांतिवीर, 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 ऐसा क्या मक्खन लगा दिया इस क्रांतिवीर ने डांगोरिया रेखा के दिमाग में? कल का छोकरा मुझसे ज्यादा काबिल हो गया। को कैसा लगा मेरा आइडिया इसे यहां लेकर आने का? द आइडिया इज रियली गुड। आई फील वेरी हैप्पी जब कोई इंडियंस को बीट करता है। कांट यू सी, एक इंडियन इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी से कर रहा है। ओह या, आई कैन सी दैट। आई लव दिस फादर। Actually, I loved it. Yes. Dangoria, मुझे ऐसा लगता है कि हमें भेष बदलकर पुलिस स्टेशन जाना चाहिए।
जिससे वहां पर पुलिस वाले हमें पहचान भी नहीं पाएंगे और हम आसानी से उन्हें चकमा देकर अतनु को वहां से छुड़ा भी ला सकेंगे। पर हम किस बहाने से जाएंगे? कोई फायदा नहीं है। पिछली बार का सबक लेते हुए वो अतनु को किसी खास जगह में ही रखेंगे, किसी आम जगह पर नहीं रखेंगे। मैं तो कहता हूं किसी अंग्रेजी दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देकर पुलिस वाले से अतनु को छुड़ाने की मांग करते। ऐसा करने से वो अतनु को छोड़ देंगे तो इस धमकी को सच में बदल देंगे हम। इतने निर्दोष लोगों की जान जाएगी मालूम है तुमको, और जनता के सामने हमारी शक्ति वाहिनी की जो बदनामी होगी सो अलग। दास, तुम एक काम करो, अभी तुम गांव चले जाओ और वहां से स्वर्णलता को लेकर के आओ। पर देवता, हम अगवा किसे करने वाले हैं? क्रांतिवीर, तुम गुवाहाटी के सुपरिटेंडेंट की बेटी को अगवा करो। दंगड़िया, माफी चाहता हूं। वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया।